फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना वायरस की रोकथाम की खातिर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट बुधवार सुबह खोल दिए गए। पुजारियों ने परंपरागत तरीके से मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ बाबा केदारनाथ की पूजा की। वहीं पूरे मंदिर को फूलों से भी सजाया गया, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अभी श्रद्धालुओं को मंदिर जाने की अनुमति नहीं। मंदिर के मुख्य पुजारी समेत सिर्फ 16 लोग ही यहां पर उपस्थित रह सकते हैं। केदारनाथ धाम कपाट खुलने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की गई। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भगवान के कपाट मेष लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में सुबह 6:10 पर खोले गए। इस मौके पर मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर शुभकामनाएं दी हैं। इस बार बाबा केदार की डोली एक दिन पहले केदारनाथ पहुंच गई थी। बता दें कि इसके बाद एक बार फिर हमेशा की तरह यहां अगले 6 महीने तक शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। बात अगर तापमान की करो तो इस वक्त यहाँ कड़ाके की ठंड होती है, इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं देखी जाती। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालुओं को धाम में जाने की अनुमति नहीं है। इसके पहले अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज भी हो गया था। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका है जब मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर परिसर पूरी तरह खाली रहा। इस बार हजारों भक्तों की बम बम भोले के जयघोषों की गूंजों की कमी खली, ऐसा इसके पहले कभी नहीं देखा गया कि जब बाबा केदार के कपाट खुल रहे हों और भक्तों की किसी तरह से कमी हो। आपको बता दें कि इस वक्त देश और दुनिया कोरोना महामारी से भयभीत है, देश लॉकडाउन में है। ऐसे में सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन काफी सहज तरीके से किया जा रहा है, ताकि लॉकडाउन के पालन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, भीड़भाड़ ना हो। इसको देखते हुए सरकार और प्रशासन ने केदारनाथ में सामान्य तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।